हेलो जी, क्या हाल चाल? सब कुछ चकाचक चल रहा है ना? फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फ्लिपकार्ट अमेज़न की जो सेल है ये भी बिल्कुल तैयार है। आपको अपने लिए नया वाला फोन लेना है, साथ में अपने घर वालों को यार कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, तो मेरे भाई आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज मैं आपको 7 फोन ऐसे बताऊंगा जो आते हैं केवल और केवल 15,000 रुपए के अंदर, और मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट को रीड करूँ, उनको रिप्लाई करूँ, क्योंकि जब तक आप हो तब तक मैं हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 7वें नंबर के फोन की, और यहां पर जो फोन है ना ये है पोको का M2 Pro। हाँ मुझे पता है ये काफी पुराना वाला फोन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको 10-11 हजार रुपए के आसपास पड़े तो आप इस फोन में जा सकते हैं। प्रोसेसर काफी लल्लन टॉप है, स्नैपड्रैगन का 720G। हाँ मैं मान सकता हूं 4G वाला प्रोसेसर है, लेकिन ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला है। उसके साथ साथ पीछे की तरफ जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है ये है ग्लास की। ये फोन देखने में भी आपको सुंदर लगेगा। आगे की तरफ जो डिस्प्ले है ये है फुल HD प्लस वाला, आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करने वाला है। और साथ में जो कैमरा आपको मिल रहा है ना रियर वाला, ये है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, आपको MIUI से कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये फोन आपको सस्ते रेट में पड़े तो मेरे हिसाब से आप पोको के M2 Pro में जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं पोको वाले इस फोन को बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है ये काफी ज्यादा है, और उस प्राइस में इतना पुराना वाला फोन मैं लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। चलिए अब बात करते हैं 6वें नंबर के फोन की, और यहां पर नॉन चाइनीज फोन बैठा हुआ है, सैमसंग का गैलेक्सी M32। आपको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए सैमसंग का गैलेक्सी M32। सैमसंग की जो सर्विस है वो काफी अच्छी वाली आपको मिल जाती है। यहां पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब बैटरी बहुत ही बड़ी वाली है। जो प्रोसेसर है ये है MediaTek का हीलियो G80, डीसेंट प्रोसेसर है। हाँ बहुत हैवी वाले आप गेम खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस फोन में नहीं जाना चाहिए। पीछे की तरफ जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है यह है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, आगे की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिल रही है ना यह है 90Hz का सुपर एमोलेड पैनल। मेरे हिसाब से आप सैमसंग के गैलेक्सी M32 में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैमसंग से आज भी बहुत ज्यादा प्यार है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के फोन की, और यहां पर एक फोन नहीं है, दो फोन है, और दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई है। एक है Realme का Narzo 30 5G, और दूसरा जो है ना यह है Realme का 8 5G। दोनों ही फोनों में जो चीजें मिल रही ना ये बिल्कुल सेम है। प्रोसेसर आपको मिल जाता है Dimensity का 700, अच्छा वाला प्रोसेसर है, आपके 5G वाले सिम कार्ड हो सकता है काम कर जाए। 90Hz का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। पीछे की तरफ जो कैमरा है ये है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल वाला आपको सेंसर नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से आप Realme के इस वाले फोन में जा सकते हैं। आपकी पहली पसंद और बहुत ज्यादा जिद है, आपको 5G वाला फोन लेना है, तो मेरे भाई ये फोन आपको मायूस नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जो Realme का UI है ना ये भी अब बेहतर हो गया है। किसी ने मुझसे ये कमेंट किया था यार, जो अभी डीजो की वॉच प्रो आई है ये हम ले सकते कि नहीं ले सकते, और मेरे हाथ पे वही वाली वॉच है। मेरे हिसाब से ये वॉच आपको अच्छी लगेगी। कुछ चीजें मुझे काफी बेहतर लगी हैं, जैसे 14 दिन का बैटरी बैकअप, क्योंकि स्मार्ट वॉच को या ज्यादा देर तक हम यूज करते हैं और बैटरी ज्यादा देर तक चले तो अच्छा लगता है। उसके साथ साथ बिल्ट इन डुअल सैटेलाइट GPS आपको मिलता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो डिस्प्ले ना इसकी जो विजिबिलिटी है ये भी काफी कमाल की है, 600 nits की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। यहाँ पर आपको SPO2 मिल जाता है, हार्ट रेट सेंसर है, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं। और जो Realme की लिंक एप्लीकेशन है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मोड मिलते हैं। चलिए हमने 5वें नंबर के फोन की बात कर ली, अब बात करते हैं 4थे नंबर के फोन की, और ये फोन अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, Realme का 8i। इस फोन में आप जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है ना ये है MediaTek का हीलियो G96, अच्छा वाला प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए ये फोन आपको मायूस नहीं करने वाला है। उसके साथ साथ जो इस फोन में डिस्प्ले मिल रही ना ये है 120Hz का फुल HD प्लस वाला, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। Realme का जो UI है ये भी आपको मायूस नहीं करेगा,
और जो कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, हाँ अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर यहां से हटा दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। और कहीं ये फोन आपको बैंक ऑफर लगा के मिल जाए तो आप रियलमी के A10 में जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 1, 2, 3 नंबर की, और तीसरे नंबर में जो फोन बैठा हुआ है G40 फ्यूजन, और सेल के दौरान ये फोन आपको अच्छे वाले प्राइस में देखने को मिलेगा। भाई जो प्रोसेसर है ये काफी लल्लन टॉप है, स्नैपड्रैगन का 732G, आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करने वाला है। आपको बड़ी बैटरी वाला फोन लेना है तो भाई 6000 mAh की जो बैटरी मिलती है ना, आराम से आपका एक दिन पूरा का पूरा निकाल देगा। आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड लेना है, बिल्कुल क्लीन UI होना चाहिए, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देखना। तो मेरे हिसाब से मोटो ने ना अपने फोनों में बहुत ही अच्छा UI यूज किया है। एक भी आपको एड देखने को नहीं मिलेगा। 120 हर्ट्ज का फुल HD+ वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और पीछे की तरफ जो कैमरा है यह है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। हाँ एक चीज कहूंगा, जो फोन का वेट है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, और जो डिस्प्ले का साइज है ये भी बड़ा वाला है। और आज की डेट में मोटोरोला ना बहुत अच्छा वाला काम कर रहा है, और जिन लोगों को मोटो का S20 बाय करना है तो यार मेरे चैनल पे फुल रिव्यू आ चुका है। 15 दिनों से यार मैं फोन को यूज कर रहा हूं, उस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल रहा होगा। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो जाइए देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के फोन की, और ये जो फोन है ना ये बार बार यार प्राइस हाइक कर देता है और शामी वालों को पता नहीं कितना पैसा कमाना है। ये है रेडमी का नोट 10। आपको काफी कॉम्पैक्ट फोन लेना है तो मेरे भाई ये फोन आपको मायूस नहीं करेगा। सुपर एमोलेड वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पीछे की तरफ जो कैमरा है यह 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, यह भी आपको मायूस नहीं करने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बैटरी यार ठीक ठाक वाली मैं कहूंगा। यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है यह है स्नैपड्रैगन का 678, डिसेंट प्रोसेसर आप कह सकते हैं। ओवरऑल जो फोन का डिजाइन है यह भी आपको अच्छा लगेगा, MIUI से आपको दिक्कत नहीं है तो आप इस फोन में जा सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि यार जो मोटो का G40 फ्यूजन है ना, इसको आप 2 नंबर में रख दीजिएगा, और रेडमी के नोट 10 को आप 3 नंबर में भी रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा और भावना है। अब बात करते हैं 1 नंबर के फोन की, और ये जो फोन है ना ये है रियलमी का 8। इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज की डेट में यार हमें एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन सही प्राइस में मिले तो और भी अच्छा लगता है। उसके साथ साथ आपको पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, डिसेंट कैमरा है। यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जा रही है, और जो रियलमी का UI है ये भी आपको बिंदास लगेगा। मैंने आपको यार 7 फोन बता दिए, अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है और आप किसी फोन को हमारी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, भाई आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की। बस आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइएगा, खुश रहिए, बिंदास रहिए, चमचमाते रहिए। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो काफी कृपा हो जाएगी। जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन देखने को मिल रही होगी, इसको दबा देंगे तो यार हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करिए, बहुत सारा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।